Okay. मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आ चुकी हूँ रूफटॉप पे, तो फिंगर्स क्रॉस, उम्मीद तो है कि 21 डेज तक कंटिन्यू हो जाएगा। मेरा बेटा। कल है यहाँ पर सोलर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। टाइमिंग हम लोगों ने गूगल से किया था। संडे कैसे सेलिब्रेट किया, दूसरी बात ये थी कल हमने बहुत मजा किया। कल हम लोग फ्रेंड्स के यहाँ गए थे। सबसे ज्यादा फायदा मुझे लग रहा है, मैं ओवर ईटिंग नहीं कर रही हूँ। पूरे तरीके से टेंट के अंदर भी नहीं आ पा रहे हम, देखिए। और अभी मैं सुलाने लेके जाने वाली, उतना ठंडक नहीं लग रहा है कि मुझे कानों को भी कवर करना पड़े, ऐसा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों बंद रखते हैं, पूरे दिन चालू करना चाहिए ना भाई, पूरा टाइम वर्कआउट करने के लिए कोई भी आ सकता है। कैसे फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आपको पता है कि मेरा एक दिन ब्लॉग डिले हो गया था, क्योंकि जब हम लोग फ्राइडे में वहाँ से बाहर टहल टहल के आए थे एकादशी वाले दिन, उसके बाद आने के बाद बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं ब्लॉग भी बना पाऊँ, और ब्लॉग एडिट करते करते ही मैं सो गई थी, इसीलिए वो वाला ब्लॉग रात में नहीं आ पाया था। दूसरे दिन मैंने थोड़ा सा उसकी क्लिप डाली थी, आप लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है जाके पुराना वाला मेरा ब्लॉग चेक कर सकते हैं। हम लोग शॉपिंग भी गए थे वन के सेलिब्रेशन की, तो आधा सामान ऑलमोस्ट आ चुका है, आधा देखती हूँ मैं। वन तो मिला नहीं, वहाँ पे केक मिला था तो मैं केक उठा कर लेकर आ गई। डॉलरामा चेक किया हम लोगों ने, फिर हम लोग वॉलमार्ट गए थे। फिर उसके बाद सैटरडे कल हम लोग थोड़ी देर के लिए प्लान था हम लोग के फ्रेंड से मिलने के जाने के लिए, तो वहाँ गए थे, तो मैं कल ब्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक ब्लॉग पेंडिंग था, तो सोचा कि पहले इसको डाल देती हूँ ब्लॉग को, उसके बाद नेक्स्ट डे से ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो अभी ये फ्रेश स्टार्ट है। आज है संडे और आज है मेरा डे 6, मैंने जो चैलेंज दिया था उसका। लेकिन आपको बता देती हूँ, पहले आप कल वाली क्लिप एंजॉय कीजिए जो मैं कल गई थी वर्कआउट, और टाइमिंग वगैरह भी सब ऊपर नीचे था, वो ब्लॉग देखिए, वो वीडियो चेक कीजिए कल का जो मैंने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद आज मैं आपसे मिलती हूँ फिर दोबारा। आज 5th डे है, चैलेंज जो मैंने स्टार्ट किया है उसको ब्रेक नहीं करना है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया है। और आज कोई ब्लॉग नहीं बन रहा था क्योंकि कल वाला जो ब्लॉग है वो ही मेरा ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था कल रात को, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं कल वाला ब्लॉग डालूंगी। और आज हम लोग को बाहर भी जाना है एक फ्रेंड के यहाँ पर घर पे, और सुबह से वही सारे डेली सैटरडे संडे का काम लगा था, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ जिम, थोड़ा सा इको आएगा क्योंकि मैं लिफ्ट में हूँ, और सैटरडे को ना 11 बजे का टाइमिंग नहीं रहता है, सैटरडे को हम लोग की जिम का टाइम रहता है, मतलब 1 बजे से चालू होता है। तो अभी बज रहा है 3 दोपहर का और अभी मैं जा रही हूँ जिम करने के लिए, मैंने ब्रेक नहीं होने दिया है। और आज है 5th डे और संडे को मैं फुल ब्लॉग करूंगी, तो उसमें एक क्लिप मैं आप लोग के लिए डालूंगी। तो आप ये वाला जो मतलब वीडियो देख रहे हैं वो एक दिन पुराना है। और अभी जाती हूँ मैं, करती हूँ जिम, उसके बाद में हम लोग को निकलना है, थोड़ा मिलने के लिए जाना है फ्रेंड्स लोग के। अभी 100 कैलोरीज हो गई है, ये देखो 22 मिनट मैंने किया है इसको, अब मैं थक गई। एक्सरसाइज, अब मैं जा रही हूँ ऊपर स्वदी को उठाऊंगी, फिर हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैंने बताया था जिम से आने के बाद में हम लोग के प्लान है, तो इसीलिए अभी रेडी होके जा रहे हैं, शाम तक वापस आएंगे। और स्वदी को भी मैं दिखा देती हूँ, आज रेडी कर दिया, बहुत प्यारी सी डॉल लग रही है। स्वदु इधर आओ, इधर आओ पहले मम्मा पास। व्हाट इज दिस? इट्स पेंसिल। अच्छा, राधे राधे कर दो। लाइट अभी थोड़ी सी ऐसी आ रही है, ऐसा लग रहा है चेहरा बिल्कुल ना एकदम दबा दबा। ये हमारी छुटकी रेडी हो गई है और अब हम निकल रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है। हाँ, उसकी ड्रेस से मैच कर रहा है। ओके ओके, शी नोज एवरीथिंग। निकल चुके हैं हम रेडी हो के, राजा बाबू बन गए ये तो। अच्छा, और स्वदी आल सबसे पहले मॉनिटर बन के जा रही है आगे, देखो उसको सब पता रहता है बटन कौन सा प्रेस करना है, कौन सा डाउन वन, डाउन वन, डाउन वन, यस डाउन वन।
तो अभी मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। जैसे मैं जिम जा रही थी हर टाइम, तो आप लोग को पता ही है सुबह मॉर्निंग में 11 बजे का टाइम में फिक्स रखा था, बट सैटरडे संडे में आप लोगों ने देखा क्लिप 3 बजे गई थी कल मैं, और आज भी मैंने सेम बुकिंग करने का ट्राई किया, 1 से लेकर 8 बजे तक का टाइमिंग रहता है। तो मैंने 4 बजे तक तो स्लॉट देखे सारे बुक थे, आने के बाद ही देखा शायद आज संडे इस वजह से, तो लोग सोच रहे हो कि थोड़ा वर्कआउट में चले जाए या जिम कर लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, ये स्लॉट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर नहीं मिलेगा तो घर में मैं करूंगी कंटिन्यू, क्योंकि मुझे गैप तो करना नहीं है बिल्कुल भी इस वजह से। और मैं पहले सोच रही थी कि चलो मिल जाएगा, मैंने थोड़ा लाइटली भी ले लिया, कल रात से मैं ट्राई कर रही हूँ, बट 3 से 4 स्लॉट मुझे मिले नहीं है। और आज मैं सोच रही हूँ कि 8 बजे भी मिलता है, मैक्स लास्ट मिलता है 8 से 9 बजे जिम बंद हो जाता है। सैटरडे और संडे को यहाँ टाइमिंग है 1 से लेकर 9 बजे तक, पता नहीं क्यों बंद रखते हैं, पूरे दिन चालू करना चाहिए ना भाई, पूरा टाइम वर्कआउट करने के लिए कोई भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, बट खैर जो रूल है वो रूल है। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि शाम तक ट्राई करती हूँ, 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे कभी कभी मिल जाएगा तो जाके करके आऊंगी, और अगर नहीं मिलता है तो शाम में स्वदी को सुला के जो नॉर्मल टाइम है, खाना भी मेरा हो चुका है, खिचड़ी मैंने थोड़ी सी खा ली थी 1 बजे करीबन, और अभी बज रहा है यहाँ पर 2, और स्वदी को बस खाना खिलाने टेबल पर बैठाया है, मैंने भी खाना नहीं खाया, आज थोड़ा क्लीनिंग वगैरह में लगे हुए थे हम लोग, और उसके बाद में पूरा टाइम ऐसे निकल गया, थोड़ा मैच देखते, अभी जस्ट मैच भी खत्म हुआ है IPL। तो बने रहिएगा व्लॉग को, देखिएगा लास्ट में, एंजॉय कीजिएगा कि हम लोगों ने संडे कैसे सेलिब्रेट किया। दूसरी बात ये थी कल हमने बहुत मजा किया, कल हम लोग फ्रेंड्स के यहाँ गए थे, मतलब फ्रेंड्स से गेट टुगेदर हुआ था छोटा सा, और उसके घर गए थे, दोस्त लोग मिलते हैं, बच्चे लोग को बहुत मजा आता है, तो 3 से 4 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये वाली खिचड़ी बनी है, हरी वाली जो दाल होती है ना उसकी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, टमाटर डाला है सिर्फ इसमें और कुछ नहीं। 8 बजे का लास्ट 1 बजा है ऑप्शन, देखती हूँ मिलेगा तो ठीक है, देखते हैं। देखो आज के स्लॉट सारे बुक हैं, जितना भी ले लो, ये सारे बुकिंग हो रखी है, ऐसे करना होता है ऐप के थ्रू, बट अभी तो कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो क्या कर सकती हूँ, घर में करना पड़ेगा। मैंने 2 बजे से लेकर ट्राई किया था, 1 बजे तो नहीं किया था, कल 1 बजे का नहीं दिख रहा था, तो मैंने कहा 3 बजे कल गई हूँ तो 3 बजे मिल जाएगा, बट आज मैं भूल गया, संडे है, क्या पता पहले से पहले बुक करा हो किसी ने, इसीलिए 8 बजे तक ट्राई किया है, नहीं मिला। जिम करने के या एक्सरसाइज करने का बोल लो, इतने फायदे ये हो रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा मुझे लग रहा है, मैं ओवर ईटिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब जैसे एक होता है ना कि मन करता है कि ये भी खा लो वो भी खा लो, जैसे खाना खाते में पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, ऐसा वाला, लेकिन अब मन ही नहीं करता है, एक्सरसाइज करके आती हूँ, कुछ भूख लगती है तो एप्पल खा लिया, मतलब हेल्दी चीज़ें ज़्यादा मैं ट्राई करना चाह रही हूँ, और एप्पल खा लिया या फिर थोड़ा ड्राई नट्स वगैरह कोई भी ले लिए, या तो बादाम हो गया, काजू हो गया, दो चार खा ली, किशमिश खा ली, तो थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है, और वो मुंह में जो थोड़ा सा रहता है ना टेस्ट के लिए कि ये खा लो वो खा लो खा लो, अभी जैसे मूंगफली का पैकेट भी लेकर आई, 2-4 मूंगफली खा ली, तो इस तरीके से चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि मेरे को पहले ये होता था कि यार पेट नहीं भरा है, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी ऐसे खा लेती थी, बट अभी तो 1 रोटी खा के भी ऐसा लगता है पेट भर गया मेरा, अब नहीं खाना मुझे, सच में ये अंदर से ही ऐसी फीलिंग आ रही है, तो मुझे इस चीज़ का पॉजिटिव तो अच्छा ये मिल रहा है, आउटपुट मिला है। और वैसे भी हमेशा से जब भी मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करती थी, चाहे वो वॉकिंग हो, जैसे मैं इंडिया में भी करती थी वॉकिंग है, या कहीं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, या हम लोग कहीं जुम्बा के लिए चले गए, ग्रुप लोग मिल रहा है फ्रेंड्स लोग का, तो चलो जुम्बा कर लेते हैं, इस तरीके का भी करती थी, तो मेरा अपने आप ही अंदर से मन नहीं करता था कुछ भी एक्स्ट्रा खाने का, ऐसा लगता था कि बस हो गया, उतने में ही मेरा पेट भर जाता था। तो ये चीज़ अभी मुझे फील होने लगी है, और अभी 5 दिन ही मैंने रेगुलर किया है, तो मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और जब मैं थोड़ा बहुत भी वेट लिफ्ट करती हूँ, जो डंबल्स हैं उनसे थोड़ा हाथों की करती हूँ, सारी एक्सरसाइजेस हो गई, या साइड बेंडिंग जो करती हूँ उससे बहुत अच्छा लग रहा है, और अब तो मसल्स में भी पेन नहीं है, तो फिंगर्स क्रॉस, उम्मीद तो है कि 21 डेज तक कंटिन्यू हो जाएगा। बाहर आज अच्छी वाली धूप निकली है, और मौसम भी देखो एकदम नीला नीला, आसमान साफ है, और उधर से लेक का भी कितना अच्छा व्यू आ रहा है इधर की तरफ, मतलब लुक है, पहले तो मुझे पता ही नहीं था, पहले मुझे लगता था ये सी है, तो पता चला यहाँ तो सी है ही नहीं, यहाँ जितने भी हैं सारी लेक ही हैं कनाडा में, और बहुत ही सुंदर सुंदर लेक है, फ्रेश वाटर लेक्स है। सदू क्या बना रहे हो आप, कहाँ है मेरा बेटू, कहाँ पे हो, नेट के अंदर से दिख रही, ओ ओए ओए व्हाट हैपेंड, Oh, bhaiya, sorry. Where are you? Are you here? Hi, my Peekypoo. Oiling कर दिए, नहा के पूरा बालों में ना, और क्लिप लगाई ताकि आंखों के आगे ना आए, पूरा झल्लियों जैसे रहती, नहीं तो ये स्वादु, चलो आओ, नहीं करे, आओ आज बेटा, प्लीज प्लीज माई प्रिंसेस। ओह, व्हाट आर यू डूइंग,
Can I come inside? Okay, you go. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. Come inside, Mama. Okay. Thank you. This is so big. This is so big for me. I can't help you. I can't help you. Hey, मेरा बेटा. अरे मेरा बेटा. चलो चलो जाओ. Oh, okay, okay, okay. I'm coming inside. Thank you. You like? Good, 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 good. पूरे तरीके से टेंट के अंदर भी नहीं आ पा रहे हैं हम. देखिए. और अभी मैं सुलाने लेके जाने वाली हूँ इसको, तो इसका नाटक है ये ऐसे ऐसे. और तुरंत नहीं जा रही. बेटू बेटू चले. बेटा बेटा मेरा मेरा बेटा प्यारा सा. चलो बेटू प्लीज. चलो बेटू प्लीज प्लीज. चलो हम जा रहे हैं. बाय बाय. ठीक है, वहां पे लाइन आ रहा है. अभी एलिफेंट है ना, एलिफेंट पीछे से आ जाएगा. दुख रुक दूसरा एलिफेंट देख. अभी ये ना हम लोग नीनी करेंगे ना, उसके बाद में फिर हम खेल खेल करेंगे. ठीक है? ओके कह दो. ओके. नो. ओके मामा. नो. से वन दैट्स पूपू दैट इज देयर. व्हाट? पूपू इज मम्मी बेबी. Everyone Everyone is sleeping in a tent. Everyone is tired. Animals want to sleep. No, it's eating. The giraffe is eating. Giraffe is eating. Giraffe is eating a khana? Yeah. Giraffe is eating a khana and drank its water. And drank of water? Mm-hmm. Chalo, chalo, meri gucchu, gucchu, gucchu. The tiger is sleeping. ये आजकल इसका हाउस हो गया है, इसको बहुत मजा आता है. अभी एक बार राधे राधे. अरे 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 ऐसे कर दो. राधे राधे यहाँ से कर दो. राधे राधे. मौसम आज अच्छा है, 14 डिग्री टेम्परेचर है. तो सोच रही हूँ मैं जाके रूफ टॉप पे थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ. 10,000 स्टेप्स अपने पूरे करती हूँ. अभी सिर्फ 4,000 स्टेप हुए हैं, तो राउंड लगाऊंगी. और अभी धूप भी है, आजकल 7 बजे तक धूप रहने लगी है, तो इसीलिए. और ये जो पहना हुआ है ना, ये मुझे बहुत शौक चढ़ता है. ये मैं अलीगढ़ से बनवा के लाई थी ट्रैक सूट, और ये बहुत सही है. इसमें हवा भी नहीं लगती और हल्की हल्की ठंड के लिए भी है. अंदर से वार्म है, ऊपर से जैसे रेगजीन वाला कपड़ा होता है वो है. तो मैंने ये पहन लिया, पूरा सूट है इसका. तो अभी सिर्फ मैंने ऊपर का जैकेट ही पहना हुआ है. बहुत अच्छा लगता है. मैंने ये कलर चूज़ करके खुद ही बनवाया था. इस बार हम लोग गए तो बनवा के लेकर आई थी, तो वही सिर्फ पहना है. और उतनी ठंड नहीं है तो जैकेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. मौसम बहुत अच्छा हो रहा है. मैं आ चुकी हूँ रूफ टॉप पे, और ये पूरा सर्कल ना इधर उधर राउंड लगाने वाली हूँ. और अभी 6:30 बज रहा है. मैं आपको बताऊँ, धूप भी अच्छी है. सोच रही हूँ आधा से पौना घंटे तो एटलीस्ट वॉक कर लूँ, कंप्लीट भी हो जाएगा मेरा. और उसके बाद में फ्रेश एयर भी मिल जाएगी. ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बट उतना ठंडक नहीं लग रहा है कि मुझे कानों को भी कवर करना पड़े, ऐसा नहीं लग रहा है. टेन थाउजेंड स्टेप्स कंप्लीट हो गए. 7.16 किलोमीटर, 263 कैलोरीज. हाँ, अच्छा लग रहा है. और मतलब मैंने थोड़ा बहुत रनिंग करा, थोड़ा सा जॉगिंग कर लिया, वॉक कर लिया है. और ये जो पीछे स्टेयर्स दिख रही है ना, इधर वाली स्टेयर्स पे थोड़ा वर्कआउट कर लिया है. मतलब थोड़ा स्टेयर चढ़ना उतरना, साइड पेंटिंग एंड ऑल, ये सब कर लिया है. बहुत अच्छा लग रहा है. सामने से एकदम सूरज आ रहा था ना, तो वॉक करने में भी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और धूप लग रही थी, तो अच्छा लग रहा था. अब मैं जा रही हूँ घर. तो आज की एक्सरसाइज भी डन हो गई है. मतलब जिम ना जाते हुए भी थोड़ा बहुत ब्रेक नहीं लगा, और जो भी एक्सरसाइज किया, रनिंग जॉगिंग कर लिया, तो अच्छा लग रहा है. और कल है यहाँ पर सोलर इक्लिप्स, तो देखते हैं टाइमिंग वगैरह. मैंने गूगल में चेक किया था, तो वो शायद 3-3:30 बजे का दिखा रहा था. मतलब उतने टाइम पर ही पड़ेगा, वो भी कुछ ही टाइम के लिए. लोग तो जाते हैं यहाँ पर सोलर इक्लिप्स वगैरह जो भी होता है वो देखने के लिए, प्रॉपर ग्रहण देखते हैं. जैसे नायग्रा फॉल्स में दिखाया जाएगा थोड़े टाइम के लिए, तो वो दूरबीन ले लेके लोग बैठेंगे देखेंगे. तो अपने उधर तो साइड ग्रहण के टाइम पर कुछ खाना नहीं है, किचन नहीं ऑन होगा, ये सब अच्छा लगता है. तो वही मैं सोच रही थी कि यार यहाँ पर तो ग्रहण पड़ेगा, पहली बार पड़ेगा, तो उस हिसाब से देखते हैं. किचन विचन में तो कुछ बनेगा नहीं, तुलसा जी वगैरह जैसे रखते हैं दूध में खाने में सब कुछ, थोड़े टाइम के लिए किचन बंद हो जाएगा. फिर जब ग्रहण हटता है तो उसके बाद में सारा क्लीनिंग वगैरह करके नहा के ठाकुर जी को दिया जला के तब ग्रहण उतरता है.
तो देखेंगे दोपहर का क्या टाइम रहता है, उस हिसाब से मैं एक बार और जाने के बाद गूगल करूंगी क्या टाइम रहता है। सूतक वगैरह भी लगते हैं, खैर उतना जितना देर का रहेगा उतनी देर तो उतना बचा के रखेंगे, तब किचन विचन यूज नहीं करेंगे और गैस भी ऑन नहीं करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा कल के ब्लॉग में मेरा। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।